देखिए हम आ गए और ही लैंड ट्रैक पर आ गए हम। ये इसी तरीके से आप जब चाहे और ही लैंड ट्रैक पर आ जाए और जब चाहे वापस चले जाए। ये देखें, ये हर चीज़ के ऊपर ये दावा ही कर सकते हैं, वो काम ये नहीं कर सकते। ठीक है, हम वोट देते हैं अच्छे काम के लिए, लेकिन ये लोग जो हैं हमारा गलत फ़ायदा उठाते हैं। ताला नहीं लगा हुआ बल्कि ये हमारी किस्मत पे ताला लग गया है भाई, और ये ताला कब हटेगा? जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत तेजी के साथ काम करेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के साथ मैं हूँ तनवीर भैली। आज हम औरंगी टाउन के इलाके पहुंचे हैं जहां पर हम ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट के हवाले से अपडेट्स देंगे कि आपको यहां पर कितनी तेज़ी के साथ काम किया जा रहा है या काम की रफ्तार बहुत धीमी है। तो वीडियो शुरू करते हैं। इस मकाम पे हम खड़े हैं, ये कहलाता है 5 नंबर, औरंगी टाउन 5 नंबर से नाजाबाद बोर्ड ऑफिस तक ऑरेंज लाइन का ट्रैक जाता है और इससे यहाँ के तकरीबन कहा जाता है कि 5 लाख से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद होंगे, तो उनको अच्छी सफ़ी सहूलियात मिलेगी क्योंकि यहाँ से जो बसें जाती हैं बहुत ज़्यादा भरी हुई होती हैं, लोग खचाखच भरे हुए होते हैं बसों के अंदर, तो उनसे मसाइल से भी जान छुटेगी, अच्छी सफ़ी सहूलियात मिलेगी। मगर वो कब मिलेगी, कितना इंतज़ार बाकी है, कितनी बसें आनी है, तमाम तफसीलात देने के हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, ऑरेंज लाइन के अंदर 20 बसें आ रही हैं, यानी इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बसें 20 बसें आएंगी और जो इस ट्रैक पर रवा दवा होगी और यहाँ से मुसाफिरों को लेकर जाया करेगी नाजमाबाद बोर्ड ऑफिस, और जहाँ से मुसाफिर बैठेंगे ग्रीन लाइन बस में और वहाँ से अपनी मंजिल पर पहुँचा करेंगे। तो बड़ा ही अफसोस हो रहा है कि ये सारे हमारे टैक्सेस के पैसे हैं और उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा। आप देख रहे हैं उसकी हालत कितनी ख़राब होना शुरू हो गई है, यानी जंग आलूद हो गई है, मिट्टी आ गई है, कोई साफ़ सुथराई का ख्याल नहीं, कोई इसकी देखभाल का निज़ाम नहीं। इसी तरीके से एस्केलेटर अभी ये मुकम्मल तौर पर बनी भी नहीं है, यानी बनने से पहले ही, यानी एक होता है कि बन चुकी हो उसे फाल ना किया, मगर ये तो बनी भी नहीं है, आधे से ज़्यादा काम रहता है। तो ये पहले स्टॉप के मनाजिर दिखा रहे हैं आपको, तो बड़ा ही अच्छा। ये आप पहले स्टेशन के मनाजिर देख रहे हैं कि यहाँ पर एस्केलेटर्स को लगाने का काम किया जा रहा है। यानी अगर हम जब चढ़े थे यहाँ पर आने के लिए तो हमने देखा था कि वो तो एस्केलेटर तबाह हो गई अभी से ही, मगर इस एस्केलेटर को देख के लगता है कि इस पर काम हो रहा है और इंशाल्लाह ये काम जल्दी मुकम्मल हो जाएगा, तो ये एस्केलेटर जल्दी फाल हो जाएगी। अच्छा जी, देखिए ये जो वाइट लाइन नज़र आ रही है ना, ये है ऑरेंज लाइन का ट्रैक, और अगर आप चाहें तो ऑरेंज लाइन के ट्रैक पे आ सकते हैं क्योंकि दीवार वीवार कुछ नहीं है। देखिए ये हम आ गए ऑरेंज लाइन के ट्रैक पर आ गए हम। ये इसी तरीके से आप जब चाहें ऑरेंज लाइन के ट्रैक पर आ जाएं और जब चाहें वापस चले जाएं। ये देखें ये है बिल्कुल नाजमाबाद मैट्रिक बोर्ड ऑफिस, और जिस मकाम पे हम खड़े हैं यहाँ पर ये पहला स्टॉप और या आखिरी स्टॉप कह लें। अच्छा जी, इस वक्त हमारे साथ शाहिद हुसैन और शाहिद भाई बहुत ही अच्छी तरीके से आपको अदालती मामला तो समझाते हैं, मगर कराची के जो असल मामला तो उन पर भी बड़ी गहरी नज़र है और रिपोर्टिंग करते हैं हमारे गुज़रे कई सालों से। तो शाहिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ऑरेंज लाइन आपने भी यहाँ वीडियो बना रहे हैं और आप हम भी वीडियो बना रहे हैं, तो आपने अभी तक क्या देखा यहाँ पर कि ऑरेंज लाइन मनसूबा आपकी नज़र में क्यों मुकम्मल नहीं हुआ अभी तक? तनवीर भाई, आप लोगों का वैसे मैं तहे दिल से शुक्रिया इसलिए अदा करता हूँ कि आप लोग हमेशा मेरे काम की तारीफ़ करते हैं, लेकिन वो काम जिनकी आप तारीफ़ करते हैं बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जो हैं वो उनको गुस्सा आता है मेरी वीडियोस देख के, खबरें देख के। देखें, बुनियादी तौर पर जो एक बिल है ना, सूबाई हुकूमत चाहे, सिंध गवर्नमेंट का मनसूबा है आप बता चुके हैं, सूबाई हुकूमत चाहे तो ये 2 महीने में चल सकता है। देखिए, वन व्हीलिंग हो रही है, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये ट्रैक ना आवाम के लिए बेहतर हो सकता है, ना पैदल चलने वालों के लिए बेहतर हो सकता है, हाँ मंचलों के लिए वन मिलिंग दोबारा हो रही है, अब मंचलों के लिए वन मिलिंग हो रही है, ये ट्रैफिक जाम होने का सबब बन रहा है। ठीक है, ये आवाम की मुश्किलात का में इजाफे का सबब बन रहा है ऑरेंज लाइन के मनसूबे का ये ट्रैक। इसकी बेहतरी के लिए अगर चल जाता, यकीन माने जिस तरह सुरजानी से लेके बना सुरजान से लेके नुमाइश तक के जितने आवाम खुश है,
तो आप यकीन माने औरंगी टाउन वाले, बनारस वाले और उसके बाद अब्दुल्ला कॉलेज वाले, ये आपके जो नाजमाबाद के, नॉर्थ नाजमाबाद के लोग हैं, बेहद खुश होते हैं। इसलिए ना सिर्फ इलाके की तामीर और तरक्की होती है बल्कि सफ़र करने में भी उनको आसानी होती है, क्योंकि ये यहाँ पर जो बसें हैं आपको देखें, उस तरफ रोड जाम है, पीछे रोड जाम है, बच्चियों को यहाँ पर कोई अच्छी सर्विस नहीं चल रही। काफ़ी देर से हम देख रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटी से छुट्टी हुई है जिनकी, वो बैठ के इंतजार कर रही हैं खड़े होकर कि कोई गाड़ी आएगी तो अपने औरंगी टाउन वो जाएंगी। तो यानी कि एशिया की सबसे बड़ी आबादी, जो कच्ची आबादी पूरे एशिया की है, अब लाखों लोग वहाँ आबाद हैं, वहाँ ना ट्रांसपोर्ट का हिसाब बेहतर है, ना सेवरेज का, ना तामीरात का, कोई ऐसा काम नहीं है जिसका आप औरंगी टाउन की आप मिसाल दे सकें कि औरंगी टाउन में ये काम अच्छा है। तो भाई हुकूमत ने अल्लाह करके ये काम अगर शुरू किया था, वो भी हालांकि वफाकी हुकूमत के, जो कि वफाकी हुकूमत का जो मंसूबा था नवाज शरीफ साहब वाला, उसके उन्होंने टसल में शुरू किया था कि उन्होंने भी 2018 में उसी मंसूबे को इलेक्शन में लेके आना था कामयाबी के लिए, और पीपल्स पार्टी ने भी इलेक्शन में कामयाबी का ही इसको सबब बनाना था। 2018 गुजर के अब 2022 आ गया, बल्कि मुझे लग रहा है कि वो तो चल गया जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, ये मंसूबा मुझे लग रहा है कि 2023 में भी मुकम्मल नहीं होगा जिस तरह की सूरत हाल है। ना करें बुनियादी काम नहीं हुआ। आप खुद देखें, कोई इंस्टॉलेशन आप बता दें जो आपने ग्रीन लाइन में देखी हो, और यहाँ पर भी वो हो चुकी है, मतलब इंस्टॉलेशन होने के बावजूद 2 साल लगे ग्रीन लाइन को चलने में, यानी कि 2019 में इमरान खान साहब ने वादा किया था कि जल्द चला रहे हैं, 2019 से लेके 2021 के आखिर में 22 में आकर चली, तो ये कब चलेगी आप खुद बताएं। इंस्टॉलेशन लग रहा है ये 2 साल तक ये मंसूबा मुकम्मल होने में टाइम लगेगा, हालात ये बता रहे हैं तनवीर भाई। हम उम्मीद करते हैं, दुआ भी करते हैं कि औरंगी टाउन वालों को फ़ायदा हो इसका, लेकिन हालात ये बता रहे हैं कि 2022 में भी नहीं लग रही। अच्छा गाइस भाई चले, ये मंसूबा तो जैसे तैसे मुकम्मल हो ही जाएगा, अल्लाह ने चाहा 1-2 साल और उम्मीद है कि जल्दी जाएगा, मगर सूबाई हुकूमत तो ये दावा कर रही है, ऑरेंज लाइन को छोड़े हम तो ब्लू लाइन, येलो लाइन, ब्राउन लाइन, रेड लाइन, फलाला लाइन, ये लाइन, उसकी लाइन, इसकी लाइन सब चला रहे हैं। वो तो सर वो लाइन में तो उन्होंने लगाया हुआ है 2008 से, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 2008 से लाइन में लगाया हुआ है, 2008 से लेके आप कितने सूबाई वजीरों को, आपको भी उंगलियों पे याद होंगे, नासिर हुसैन शाह साहब के स्टेटमेंट, सईद गनी साहब के स्टेटमेंट, खुद वजीर आला के स्टेटमेंट, और उसके बाद फिर मौजूदा जो सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट है उनके स्टेटमेंट के हर 2 महीने के बाद बस आ रही है, सही बस आ रही है, बस आ रही है। अब वो कराची की आवाम बेबस हो गई है ये इनके स्टेटमेंट सुन सुन के, लेकिन बस नहीं आ पा रही। अब ये देखें ग्रीन लाइन की जो बस है उसके आधे से भी आधी बसें यहाँ आनी है, और आधे से भी आधा ट्रैक भी नहीं है, उसके बावजूद ट्रैक यहाँ बिक चुका है, सिर्फ इंस्टॉलेशन होनी है, इसके ऊपर काम होना है, बसें आनी है, चलनी है, तो मतलब ये है कि जख्मों पे मरहम रखने के बराबर होगा, वो नहीं कर पा रहे तो फिर आप कम हर गुजरता दिन जख्मों पे मरहम के बजाय नमक छिड़क रहा है। ये इनके स्टेटमेंट सुनने के बाद लगता है कि जी हाथ हिला दें, कैमरा चल रहा है, जी बिल्कुल चल रहा है, हाथ हिला दें, मतलब कराची वालों के साथ यही हो रहा है। शायद का कहने का मकसद ये है कि आपके साथ जब प्रैंक होता है ना तो आगे बंदा कहता है हाथ हिला दें, आपके साथ मजाक हुआ है, तो आप ये कह रहे हैं कराची वालों के साथ ही मजाक कर रही है सूबाई हुकूमत। पीपल्स पार्टी हालांकि बहुत ज़बरदस्त लोग हैं, मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया कि जितने पोलाइट, जितने अच्छे बाइज़त लोग हैं, इज्जत करने वाले लोग हैं, तनकीद सहते हैं, बर्दाश्त भी करते हैं और हर तरह की सब्र और तहमुल का मुजाहरा करते हैं, किसी सियासी जमात में नहीं है, मैं उनकी तहे दिल से इज्जत करता हूँ, लेकिन अगर वो काम भी इसी अंदाज से करते तो यकीन माने पूरा मुल्क उनकी कदर करता, उनको वोट देता, उनको सर का ताज बना के रखता, लेकिन बदकिस्मती है या वजह क्या है, कोई और रुकावटें होंगी जिसकी वजह से काम नहीं हो पाता। चले देखिए बिल्कुल शायद मैंने यही बताया कि आपको रिपोर्टिंग भी की। अच्छा थोड़ा सा हम इसको छोड़ दें, ग्रीन लाइन से मुआवजा भी करते हैं, हम मुआवजा करते हैं शहबाज शरीफ के दौर से, अब तक मैं नून लीग का नाकिद हूँ, मगर जो लोग लाहौर गए, मैं आज तक लाहौर नहीं गया, मगर लाहौर में गुज़िश्ता 10-12 साल जो नून लीग की हुकूमत थी, तो उसके बाद उन्होंने उनको ऑरेंज लाइन भी दे दी, मेट्रो दे दी, इसी तरीके से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जो BRT सिस्टम था वो बेहतर किया उन्होंने बहुत। तो अगर पीपल्स पार्टी 12-13 साल से यहाँ पर है उनकी हुकूमत, अगर वो चाहते हैं कि मजीद उनकी हुकूमत रहे तो उनको अच्छे काम करने होंगे, जिस तरह से बातें कर रहे हैं, बातें करने का वक्त चले गया। अगर आप ये कह लें कि एक ही जगह से बार बार कराची की आवाम कैसे जाएंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता, काम करना पड़ेगा। और इस उम्मीद के साथ कि पीपल्स पार्टी के जो हुक्मरान हैं वो काम भी करेंगे, अच्छे काम करेंगे, ताकि आवाम उनको अच्छे अल्फाजों में याद कर सके, क्योंकि अभी हमने जब भी आवाम से बात की यहाँ पर तो खास से गुस्से में, क्योंकि एक वक्त होता है हर चीज़ का, अगर उस वक्त के बाद वो चीज़ नहीं बनती तो उसके बाद उसकी कदर कम होना शुरू हो जाती है। तो ऐसा ही मसला ऑरेंज लाइन के साथ हो रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और